नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सुकमा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध रूप से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए एक ह्युंडई कंपनी की वर्ना कार से लगभग 64 किलो गांजे के साथ तीन तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि तस्करों ने कार की पिछली सीट पर लोहे का बॉक्स बनाकर ब्रेक लाइट के अंदर गांजा भरकर बिहार की ओर ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार हुए तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। राजधानी रायपुर में दो इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर शैलेंद्र साहू को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पहले मामले में प्रार्थिया प्रेमिनबाई और उसका पति घर में ताला लगाकर किसी काम से बाहर गए थे, तभी अज्ञात चोर ने सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम को पार कर दिया। वहीं दूसरे मामले में प्रार्थी लेखूराम साहू ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि वह घर में ताला लगाकर बैंक गया था। इसी दौरान चोर ने उनके मकान का ताला तोड़कर कमरे से सोने चांदी के सामानों पर हाथ साफ किया। टिकरापारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने के साथ ही मुखबिर भी लगा दिए थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। कांकेर जिले के अंतिम छोर जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाके में पहली बार प्रशासन ने जन चौपाल लगाया है। बता दें कि इरपिनार पंचायत में जहां कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, आज वहां जिला प्रशासन द्वारा जन चौपाल लगाया गया। इस जन चौपाल में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभी जिले के तमाम आला अधिकारी समेत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतागढ़ विधायक अनूप नाग शामिल हुए। जन चौपाल में ग्रामीणों ने कलेक्टर और विधायक से अपनी अपनी समस्याओं की जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। जिले के मुखिया को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में अलग सी खुशी देखने को मिली। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा इस जन चौपाल में सिविक एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को कॉपी, पेन, स्कूल बैग और जरूरतमंदों को साड़ी, लाइट, टॉर्च, लुंगी, कंबल, छतरी, चप्पल आदि सामान पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के हाथों वितरित किया गया। राजधानी के उरला थाने से एक ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने प्रार्थी देवेंद्र कुमार त्रिपाठी को कॉल किया और उससे बैंक अधिकारी बनकर SBI बैंक खाते का KYC अपडेट करने के नाम पर खाते की जानकारी ले ली और फिर बड़ी ही चालाकी से उनसे फोन में आए OTP नंबर भी पूछ लिया। OTP नंबर बताने के तुरंत बाद ही प्रार्थी के बैंक अकाउंट से 2,28,000 रुपए पार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर उरला थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। उरला में प्रार्थी की शिकायत पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी से KYC अपडेट करने के नाम पर उसके पास कॉल आया था और बैंक से संबंधित उसके बारे में कुछ जानकारी बताई गई, जिसके कारण प्रार्थी ने उसको विश्वास करके उसका अपनी गोपनीय जानकारी बता दी थी, जिससे उससे 2,18,000 रुपये के आसपास ठगी हुई है। इन्हें पीड़ित की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में लिया गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।